फ्रंट पे आप इस ट्रैक्टर का लुक देख सकते हैं, काफी शानदार लुक के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगो यहाँ पर देखने को मिलता है, साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी शानदार फ्रंट जो है बम्पर देखने को मिल जाता है, और ऊपर से भी आप इस ट्रैक्टर का लुक देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के मेन फीचर्स। इंजन की बात करें दोस्तों, तो ये जो ट्रैक्टर है बोस के 3 सिलेंडर इनलाइन पंप के साथ आता है, जो कि किर्लोस्कर के 3R1040 इंजन देखने को मिलता है इसमें, जो कि काफ़ी मजबूत इंजन माना जाता है। 4 स्ट्रोक 3 सिलेंडर है। साथ ही अगर इसके न्यूटन मीटर टॉर्क की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको जो है 2200 इंजन रेटेड आरपीएम पर 188 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क देखने को मिलता है। साथ ही 20% के एक्स्ट्रा बैकअप टॉर्क के साथ आता है। चॉइस स्पीड गेयरबॉक्स देखने को मिलता है। साथ ही ये जो गियर है पीटीओ का आपको और ट्रैक्टर में यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको पीटीओ का जो गियर है वो अलग से यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ से इसकी पीटीओ ऑपरेट होती है, जिससे कि आप यहीं से रिवर्स और फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ऊपर की। ऊपर से आप इसका लुक देख सकते हैं, ऊपर से काफ़ी शानदार लुक के साथ आता है। इसका डैशबोर्ड देख सकते हैं, काफ़ी शानदार डैशबोर्ड देखने को मिलता है, बिल्कुल स्वराज की तरह इसका डैशबोर्ड भी देखने को मिलता है। इस साइड हैंडरेस्ट देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं इस साइड की, तो यहाँ पर आप ट्रक इस ट्रैक्टर में आपको यहाँ पर देख सकते हैं रिवर्स VS और VN, ये जो देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसमें आपको यहीं पर जो है सुपर शटल मान सकते हैं आप, ये सुपर शटल गियर है इसका, और यहाँ पर आपकी जो है हाइड्रोलिक उसे कंट्रोल करने के लिए एक डीसी लीवर और एक पीसी लीवर, और इस ट्रैक्टर के जो मेन 4 गियर है आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को ऑपरेट करने का सिस्टम भी यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है, और इसी के साथ साथ इस साइड रेस देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं, काफ़ी शानदार है। जो कि इस साइड की बात करें तो इस साइड आपको इस ट्रैक्टर का जो है लो और हाई का गियर देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको इस ट्रैक्टर का जो है टूल बॉक्स देखने को मिल जाता है। एक और खास बात दोस्तों इस ट्रैक्टर की, बाकी ट्रैक्टरों में आपको जो है ऑयल इस ट्रैक्टर की इसके नीचे देखने को मिलता है, लेकिन इसमें हाइड्रोलिक का जो ऑयल है यहाँ पर दिया गया है। हाइड्रोलिक का ऑयल यहाँ पर देने का फायदा ये है कि जब भी आपकी ट्रॉली चलती है, ट्रॉली और हाइड्रोलिक का ऑयल मिक्स नहीं होता, तो जिससे कि हाइड्रोलिक की जो लाइफ है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और लंबे समय तक परफॉर्म करती है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, ये जो है आप देख सकते हैं, उस साइड आपको ब्रेक देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेक, और इस साइड आपको जो है क्लच देखने को मिलते हैं जो कि डबल क्लच के साथ आता है। पीछे की बात करें तो यहाँ पर 2000 केजी तक की लिफ्ट कैपेसिटी देखने को मिलती है, जहाँ पर आप देख सकते हैं लिफ्ट। और इसी के साथ साथ एक और खास फीचर दोस्तों इस ट्रैक्टर में, ये जो खास फीचर है आपको इस किसी और ट्रैक्टर में देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं डुअल डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, जिसे कि आप डोजर लोडर वगैरह चला सकते हैं आसानी से, जिसका कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व जो उसे ऑपरेट करने का भी लीवर यहीं देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है, ये आप देख सकते हैं पीटीओ, आपके पीटीओ चलाने के लिए लीवर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही ट्रॉली के लिए अलग से आपको डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व दिया गया है, यानी कि दो तो ये है एक ये, 3 डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही 3 सेंसिंग पॉइंट काफ़ी अच्छा हीच दिया गया है। अगर इसके रियल एक्सेल की बात करें किसान भाई, एपिसाइक्लिक रिडक्शन टाइप का रियल एक्सेल देखने को मिलता है। साथ ही गियरबॉक्स, साथ ही अगर इसके गियरबॉक्स की बात करें तो इसमें आपको चॉइस स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलता है, जो कि 16 फॉरवर्ड 8 रिवर्स के साथ आता है। साथ ही इसमें आपको देख सकते हैं काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है। इसमें अगर हम इसके गियरबॉक्स की बात करें तो इसमें आपको सिंक्रोमेंस गियरबॉक्स देखने को मिलता है। साथ ही इसके नीचे से बात करें तो नीचे से आप इसका लुक देख सकते हैं, और ये डोजर लोडर कसने के लिए यहाँ पर आपको पहले से होल दिए गए हैं, जिससे कि आप आसानी से डोजर और लोडर कस सकते हैं। अगर फ्रंट की स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर स्टीयरिंग देखने को मिलती है, जो कि सिंगल एक्टिंग पंप के साथ आती है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर बात करें इस ट्रैक्टर की, तो ये जो ट्रैक्टर है एग्री किंग की तरफ से आने वाला, एग्री किंग का 2055 है, जो कि 55 HP का ट्रैक्टर है, लेकिन 50 HP की के साथ आता है। भाई आपको कैसा लगा है एग्री किंग की तरफ से आने वाला 2055, जो कि 55 HP का ट्रैक्टर है, लेकिन 50 HP की के साथ आता है, 55 HP की पावर प्रोड्यूस करता है? इसके बारे में अपन नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाई के पास शेयर जरूर करें। अब सुनाते हैं इसका साउंड आपको।